नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मिंग 36 में। किसान भाइयों, आज हम अपने खरबूजे के फार्म में हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इस खरबूजे की। इसे लगाए हुए लगभग 50 दिन हो चुके हैं और जो गलन उलन की समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। अब बिना ड्रिप इरिगेशन की ये खरबूजे की खेती हो रही है यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया खरबूजा है। अपना 2 एकड़ का प्लाट है, जैसे कि आप देख रहे हो बेहतरीन ग्रोथ है इसकी। देखिए किसान भाइयों, कंस की फुटाव बहुत ही बढ़िया है, सुपर क्वालिटी, कोई भी रोग इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अब फ्लावरिंग स्टेज चालू होने वाला है इस खरबूजे का। किसान भाइयों, इस स्टेज में सबसे जो भयानक बीमारी लगती है वो जो यहाँ पे तने के पास में यहाँ पे देख सकते हो लासा वाली, जो लस्सा बीमारी जो हमारे यहाँ कहते हैं, गलन हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, एकाध पेड़ में होगा लस्से की बीमारी आ जाती है। उसके बचाव के लिए किसान भाइयों, आपको हेक्साकोनल 5% इसी का 200 लीटर पानी में 1 लीटर उपयोग करके घोल बना के स्प्रे करना होता है। पेड़ को पूरी तरह से नहला देना होता है जड़ तक, जिससे आप उस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ किसान भाइयों आपको, जड़ गलन जिसे बोलते हैं लस्सा बीमारी हमारे यहाँ, वो यहाँ पर होती है। जैसे कि इस प्लांट में दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप की होती है बीमारी। इसके लिए एक और फंगीसाइड आती है, ताकत फंगीसाइड, जिसमें रहता है हेक्साकोनाजोल 5% और कैप्टन 70%, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और अब सिंगल हेक्साकोनाजोल का भी उपयोग उसमें कर सकते हो। देखिए किसान भाइयों, इस टाइप की शिकायत होगा तो आप तुरंत उसका उपचार करेंगे और बाकी सब ठीक है। और इसमें अभी स्प्रे हुआ है किसान भाइयों, इसमें मैंने किया है नेटिव फंगीसाइड का और क्वांटिस जो सिजेंटा का आता है ग्रोथ प्रमोटर, और एक है क्वांटिस सिजेंटा और हेक्साकोनाजोल। और कीटनाशक में इसमें चला है सुमी प्रिंट के नाम से आता है, जो पायरोप्रोक्सीफेन 5% वाला। थ्रिप्स भी बहुत कम दिखाई दे रही है। ये जो पत्तों का जो सिकुड़ना है किसान भाइयों, ये हुआ है जो अभी ठंड का सीज़न जो चल रहा है, पीएच लेवल नहीं है एटमॉस्फेयर का, इस वजह से पूरा जो इसकी लीफ है वो खुल नहीं पाई है, थोड़ा सा सिकुड़न पड़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया खरबूजा है हमारा प्लाट, लगे हुए लगभग इससे 50 दिन हो चुका है और बिना ड्रिप का है किसान भाइयों। इस वजह से ना पानी उनी डालने में हल्का सा असुविधा हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ग्रोथ है इस पौधे का। ये हमारा प्लाट है 2 एकड़ का, जैसा कि देख रहे हो वहाँ पे लगा है येलो स्टिकर, जो जिसे हमने स्वयं घर में बनाया है और उसमें सफ़ेद मक्खी जाकर फंस जाती है। उसमें ग्रीस लगा के बनाए हैं उसको, सफ़ेद ग्रीस लगाकर उसे आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। येलो कलर का जो पॉलीथीन आता है उसको लेकर और फिर इसी डंडे में आप लगा सकते हो ग्रीस लगाकर।
आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो किसान भाइयों आपकी फसल में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं बताऊंगा आपको खरबूजे की सफल खेती के बारे में। हमें लगाते हुए लगभग 10 से 12 साल हो गए और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है हमें खरबूजे की खेती से। बाकी जो अपना ट्रेडिशनल जो क्रॉप है उससे अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं खरबूजे की खेती से। देखिए किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी खरबूजे की खेती में, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।